ईश्वर का अर्थ हमारे जीवन से ईश्वर बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिस पर हमारा पूरा नजरिया, विचार और प्रतिक्रियाएं निर्भर होती हैं। तो इस ईश्वर को जिसे हम मानते हैं, इसी के साथ में और भी कई प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि अगर ये है तो कैसा है, कहाँ पर है, किस तरह से उसका अस्तित्व है और उसमें भी सबसे खास बात कि हम अपने जीवन को कैसे उस ईश्वर से जोड़ते हैं। जाहिर है कि यह प्रश्न और इसका उत्तर हमें हमारे अंदर बुद्धि के विकास से ही बना हुआ है और हम प्रारंभ से ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहीं पर अगर हम देखें तो कई ढेर सारी मान्यताएं इस समाज में व्याप्त हैं ईश्वर को लेकर, कि कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी आकार में मानता है, कोई किसी विचार में मानता है, कोई किसी मत में मानता है। तो अब यहीं से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर ईश्वर है भी तो इतनी ढेर सारी मान्यताएं क्यों यह बदल बदल कर अपना रूप प्रस्तुत करती है। और सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न कि इसमें सही सत्य क्या है। जाहिर सी बात है कि इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बुद्ध के समय भी खोजने की कोशिश की गई थी। तो अब हम आगे इसी प्रश्न को और गहराई से जानेंगे कि आखिर इतनी ढेर सारी मान्यताएं ईश्वर के प्रति समाज में क्यों व्याप्त हैं, कौन सा विचार सही है और बुद्ध का विचार इस ईश्वर रूपी प्रश्न को कैसे समझता है। अगर हम सामाजिक मान्यताओं में देखें तो हमें इन्हें कुछ स्तरों पर विभाजित करना होगा और फिर हर एक स्तर की एक विशेष रूपरेखा के जरिए हमें ईश्वर को समझना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ईश्वर को पहले स्तर पर समझते हैं। पहला स्तर बेहद सामान्य स्तर का है जो सामान्यतः हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर मूल रूप से समझें तो ईश्वर का प्रश्न ही क्यों उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है कि वह खुद से जुड़े प्रश्नों को और इस कुदरत से जुड़े प्रश्नों का उत्तर चाहता है और इसी उत्तर ढूंढने के प्रयास में उसे ईश्वर के रूप का एहसास होता है। मगर यहां पर एक खास बात आती है कि चाहे हम जिस भी तरीके से ईश्वर को माने, क्या हम कभी भी यह प्रयास करते हैं कि जिस ईश्वर को हम मान रहे हैं क्या उसे कभी जानने का प्रयास किया है? क्योंकि ईश्वर को हम मान तो रहे हैं लेकिन जान कितना रहे हैं। और वहीं पर अगला प्रश्न यह है कि हम आखिर ईश्वर को मानते क्यों हैं? प्राचीन काल से जब कुदरत में कई घटनाओं को कोई भी व्यक्ति देखता है, जैसे कि इस कुदरत में वर्षा होती है, उस वर्षा से हमारे जीवन की जरूरतें पूरी होती हैं, आग लगती है, प्रतिदिन आकाश में सूर्य आता है, चंद्रमा उगता है, तारे जगमगाते हैं, ये जो सारे प्रश्न हैं हमारे अंदर एक रहस्य उत्पन्न करते हैं और इन सभी चीजों को हम एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में देखते हैं। तो पहला उत्तर यहीं से जुड़ा रहता है कि आखिर ये चमत्कारिक शक्तियां किस प्रकार से हमारे जीवन में आती हैं। और जबकि हमें इन प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से नहीं मिलते हैं तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि यह प्राकृतिक शक्तियां ईश्वर का रूप है और यहीं से ईश्वर के मानने की शुरुआत होती है, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, हमें पता नहीं चलता है। इसी प्रक्रिया में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने केवल इन्हीं को ईश्वर का रूप माना, बल्कि और भी कई चीजों को हम ईश्वर का रूप मानते हैं। जैसे कोई एक जानवर है, अगर बड़ी गहराई से हमसे जुड़ जाता है तो इसको भी हम ईश्वर का रूप मान लेते हैं। जैसे कुत्ते को ईश्वर का रूप मानना, अगर हम मिस्र की सभ्यताओं में देखें तो अनुबिश ईश्वर इसी का प्रदर्शन करते हैं। वहीं पर कुत्ते के अलावा बिल्ली को भी देवी माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो हमें समझ में नहीं आता है हम उसे भी ईश्वर मान लेते हैं और ये ईश्वर चमत्कारिक शक्तियों से पूर्ण होते हैं।
यहां पर एक बात बड़ी खास देखने वाली रहती है कि जो भी चीज हमें समझ में नहीं आई या जो भी चीज हमारे लिए एक विस्मय पैदा करती है उसे हम ईश्वर मान लेते हैं और यह बेहद सामान्य प्रक्रिया है और इसी रूप में हमारे ईश्वर भी दिखाई देते हैं। क्या कोई जानवर का सर और इंसान का शरीर ईश्वर का रूप हो सकता है? अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो वह ऐसी बातों को केवल काल्पनिक मानता है, लेकिन हमारी ईश्वरी दुनिया में ये ही हमारे ईश्वर बन जाते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर लगातार ईश्वर का रूप लेकर हमारे लिए पूजनीय बनते जाते। कोई प्रतिमा हो गई उसे ईश्वर मान लिया, कोई प्रतिमा का रूप हो गया उसे ईश्वर मान लिया, जितनी विचार धाराएं उतने ईश्वर बनते चले जाते। अगर इसे थोड़ा सा तर्क के स्तर पर समझने की कोशिश की जाए तो हमें ये बात समझ में आता है कि इस प्रकार के जो ईश्वर हैं उन्होंने क्यों हमारे जीवन में ये स्थान बनाया और क्या हमने कभी इस प्रकार के ईश्वर के बारे में सोचने का प्रयास किया है? तो इसका उत्तर मिलता है कि नहीं। मगर फिर से अगला प्रश्न कि ये होता क्यों है? इतने ढेर सारे ईश्वर के रूप और इतनी ढेर सारी विविधताएं हमें आखिर क्यों दिखाई देती? अगर हम इस पर चिंतन मनन करें और इस ईश्वर को समझने का प्रयास करें तो इस उत्तर में हमें ये मिलता है कि यह जो ईश्वर का अस्तित्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला है डर, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ डर। जो हम इस दुनिया इस कुदरत में घटता हुआ देखते हैं इनके प्रति हम भयभीत होते हैं और इस भय से बचाने के लिए हम उस ईश्वर को मानते हैं। और दूसरा है लालच, हम अपने जीवन में जितनी भी चीजें चाहते हैं वह ईश्वर से पाना चाहते हैं और इन सभी चीजों को ईश्वर का जरिया बनाकर उन्हें हासिल करने का लालच ही उस ईश्वर के मानने का सबसे बड़ा कारण होता है। यहां पर हम कभी भी उस ईश्वर को जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, हम केवल अपने लालच और भय में ही इतनी बुरी तरह से बंधे हुए रहते हैं कि हम कभी भी उस ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम केवल उसको मानते हैं और ये मानते हैं कि वह हमारे लालच वाले व्यवहार को संतुष्ट करेगा और जो हमारे जीवन में भय है उससे दूर करेगा। यही प्रतिक्रिया हमें अपने पूजा स्थलों में भी दिखाई देती है। कभी शांति के साथ में आप आराम से इस बात का चिंतन कीजिए, आप ईश्वर को मानते क्यों हैं? तो उसके दो ही उत्तर मिलेंगे कि या तो आपका कुछ उससे लालच है और दूसरा या तो आप डरते हैं। यही दो कारण है जो ईश्वर को मानने के लिए विवश करता है। यहां पे एक बात हमें समझना होगा कि हमारी विवेक शक्ति बेहद निचले स्तर पर होती है और ये डर और लालच हमें आस्था से हमारे ईश्वर से जोड़े रखता है। यहां पे हम ईश्वर के लिए कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, कोई उसे जानने का प्रयास नहीं करते हैं, बस हमारे जीवन से जुड़ी जरूरतें, हमारा लालच और हमारा डर जिसे ईश्वर पूरा कर रहा है या बचा रहा है इसी वजह से ईश्वर को मानते हैं। और इन परिस्थितियों में हम हर एक चीज पे विश्वास कर लेते हैं, चाहे हमारे सामने कुछ भी आ जाए। कोई पत्थर रख दे वो ईश्वर है, उसको मान लेंगे। कोई जानवर को बिठा दे वो ईश्वर है, उसको मान लेंगे। कोई पेड़ पौधा हो जाए उसको ईश्वर मान लेंगे। या कोई किसी प्रकार के जादू टोन किसी इस प्रकार की भी क्रियाओं को कर दे हम उसको भी ईश्वर मान लेंगे। कोई भविष्यवाणी से जुड़े चमत्कार करने लगेगा उसे भी ईश्वर मान लेंगे। यहाँ पे ईश्वर की परिभाषा असीमित होती, ये केवल हमारे लालच और स्वार्थ से जुड़ी रहती है और उसमें भय बना रहता है और यही ईश्वर को मानने के लिए हमें विवश करता है। हम डरते हैं, हम छटपटाते हैं, अपने जीवन के घटनाओं से भागना चाहते हैं और उन दुखद घटनाओं का सामना नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम ईश्वर को मानते हैं। यह स्तर बेहद भ्रामक स्तर रहता है, या हम इस पहले स्तर को भ्रामक स्तर कह सकते हैं। यहां पे व्यक्ति भ्रम के जाल में फंसा रहता है।
ईश्वर की परिभाषा कभी भी उसके लालच और भय से बाहर जाकर उसे परिभाषित ही नहीं करने देती है और यहीं पर अंधविश्वास का भी जन्म होता है। व्यक्ति विश्वास से आगे निकलकर अंधविश्वास की चीजों को भी बढ़ावा देने लगता है और कर्म कांड उत्पन्न होते हैं कि ये कर दो ईश्वर खुश हो जाएगा तो आपके जीवन पे दुख नहीं आएंगे, वो चीजें मान लो वो हो जाएगा तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। इनका किसी भी प्रकार से हमारे तर्क और विवेकशीलता से कोई नाता नहीं होता है और हम केवल उस ईश्वर को अपने भय और डर वश मानते हैं। ये केवल एक प्रयास है समझने का। यहाँ पर हो सकता है कि आप शायद इस बात से सहमत हो या ना हो, या हो सकता है कि कुछ आपके पास में इससे अलग विचार हो, मगर इसी पहले स्तर के साथ साथ में हम आगे के भी तीन स्तरों को समझते हैं कि इसमें ईश्वर किस प्रकार से अपना रूप बदलता है और किस तरीके से विचार धाराएं बदलती हैं। तो इसके आगे बढ़ते समय हम दूसरे स्तर पर ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं और ये दूसरा ईश्वर एक प्रश्न उत्पन्न करता है और वह प्रश्न यह रहता है कि आखिर इतने ढेर सारे ईश्वर, मान लीजिए सूर्य ईश्वर है, चंद्रमा ईश्वर है, तो फिर हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि कभी ऐसी संभावना बन गई कि इन दोनों में टकराव हो गया तो कौन बड़ा ईश्वर होगा, कौन ज्यादा ताकतवर होगा। जो हमने ये ढेर सारे ईश्वरों की रूपरेखा बनाकर रखी है, अगर इसमें टकराव हो गया या आपस में ये भिड़ पड़े, जैसा कि इंसानी स्वभाव में पाया जाता है कि जैसे दो इंसान अगर लड़ उठते हैं तो कौन श्रेष्ठ होगा, हम यही प्रतिक्रिया इन ढेर सारे ईश्वरों के प्रति भी करने लगते हैं कि कोई अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जहां इनके अंदर टकराव उत्पन्न हो गया तो फिर कौन सा ईश्वर सबसे ताकतवर हो। और ये हमारी विवेकशीलता, हमारी प्रज्ञा को जगाता है और यह हमारी विवेकशीलता हमें इस दुनिया में इतने ढेर सारे ईश्वरों के अस्तित्व का खंडन करने लगती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले स्तर इसे हम भ्रामक स्तर कह रहे हैं और दूसरे स्तर में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है और वो अंतर है हमारी विवेकशीलता का। यहां पे हमारी विवेकशीलता या प्रज्ञा इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं होती है कि इतने ढेर सारे ईश्वरों का अस्तित्व संभव है। आखिर क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि यह कुदरत, यह प्रकृति कहीं न कहीं हम इन सब को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं और फिर इसके उत्तर में हमारे पास एक ईश्वरवाद का विचार आता है। यह एक ईश्वरवाद का विचार हमारी विवेकशीलता के कारण ही उत्पन्न होता है। यहां पर एक बात और सबसे ज्यादा प्रमुख है कि यह विवेकशीलता ही हमारी है जो कि हमारे अंदर इस ईश्वर के प्रश्न को उत्पन्न करती है। नहीं तो सीधा साधा प्रश्न यह भी है कि जानवरों के लिए भी तो ईश्वर होते हैं, वो ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं। इसका उत्तर केवल एक है कि उनमें ना बुद्धि होती है ना विवेकशीलता, और हमारे अंदर विवेकशीलता और बुद्धि होती है, इसी कारण यह ईश्वर का प्रश्न उत्पन्न होता है। और फिर यह विवेकशीलता हमें यह एहसास कराती है कि यह दुनिया एक है, कुदरत एक है, प्रकृति एक है और यह ईश्वर भी एक है। और इस ईश्वर के साथ साथ में यह बदली हुई रूपरेखा कुछ और बातों का प्रकटीकरण कर जो पूरी दुनिया को एक दूसरे तीसरे से जोड़ती हुई दिखाई देती है और हम उस एक ईश्वरवाद के चारधारा का समर्थन करते हैं। जैसे कि हम मान लें अब्राहमिक रिलीजन या यहूदी, ईसाई और इस्लाम मत एक ईश्वर विचारधारा का वर्णन है। हालांकि हिंदू धर्म भी एक ईश्वरवाद की बात करता है लेकिन इसके साथ साथ में वह अपने आप को साकारवाद से भी जोड़ता है। लेकिन फिर से कि इस एक ईश्वरवाद का प्रश्न इसके लिए उत्पन्न होता है क्योंकि बहुदेववाद या ढेर सारे ईश्वरों में यह कुदरत या प्रकृति की परिभाषा स्थापित नहीं हो पाती और हमारी विवेकशीलता इसका खंडन करती है। यहाँ पे एक गंभीर परिवर्तन हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारे साथ में हुआ है कि हमारी विवेकशीलता ने उस एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया, जहां पर पहले हम
ढेर सारे ईश्वरों की कल्पना कर रहे थे, वहां पर एक ईश्वरवाद अपने वजूद में आता है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह एक ईश्वरवाद के रूप में आने के बाद भी इसके अंदर कई ढेर सारी मान्यताएं रहती कि ईश्वर को हम एक ईश्वरवाद के रूप में तो ले आते हैं, जहां पर हम उसे समझने का तो प्रयास करते हैं, मगर इसके साथ साथ अन्य ढेर सारी मान्यताएं भी जुड़ी रहती हैं। ईश्वर का अस्तित्व बरकरार रहता है, वह सर्वशक्तिशाली है, वह सब कुछ कर सकता है, और ईश्वर का प्रभुत्व हमारे जीवन पर वैसे ही बरकरार रहता है। यहां पर वह ईश्वर की अवधारणा हमारे जीवन से जाके जुड़ती है और हम अपने को समझने के प्रयास में अपने जीवन को उस अनंत ईश्वर से जोड़कर हमेशा के लिए मान लेते हैं कि यह सदैव रहने वाला है। जैसे यह मृत्यु के बाद इसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा, हेवन मिलेगा या पैराडाइज मिलेगा, इस प्रकार के भाव उस एक ईश्वरवाद रूपी ईश्वर से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर हमारी विवेकशीलता से थोड़ा सा परिभाषित होता हुआ दिखाई देता है, मगर यहाँ पर हमारी विचारशीलता भी बड़े निम्न स्तर पर होती है और चीजों को हम उसी के अनुसार परिभाषित भी करते हैं। यहाँ पर एक बात और कहने वाली है कि भले हम उस एक ईश्वरवाद को मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी अंधविश्वास या कर्म कांड नहीं होते हैं। वे भी अपना रूप प्रभुत्व वैसे ही बनाए रखते हैं, बस केवल उस ईश्वर के रूप का परिवर्तन होता है। और यहाँ पर एक चीज और बड़ी विशिष्ट रूप से होती है कि जो हम ये स्वर्ग नरक या मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना बनाए हुए हैं, यहाँ पर हमें संदेह भी उत्पन्न होता है कि ये जो स्वर्ग नरक जन्नत जहन्नुम हेवन या पैराडाइज हैं, क्या इनका वास्तव में वजूद होता है? क्या मृत्यु के बाद हमें इनके साथ गुजरना होता है? और ऐसे ही प्रश्न बुद्ध के समय भी पूछे जाते थे और इसी का वर्णन हमें तीघ निकाय में मिलता है। तो अब देखते हैं कि तथागत बुद्ध इन प्रश्नों पर कैसे जवाब देते हैं। दिघ निकाय के तेविज सूत्र के खंड में वासिष्ठ और भारद्वाज नाम के दो ब्राह्मणों के मध्य यह विवाद उत्पन्न हो गया कि ब्रह्मलोक की सत्ता के लिए उनका मार्ग सही है। ब्रह्मलोक हम एक ऐसा लोक समझ सकते हैं कि जो मृत्यु के बाद मिलता है, या एक ऐसा लोक जो इस वर्तमान दुनिया से एक अलग स्थान है और मृत्यु के पश्चात अगर हमारे कर्म सही रहेंगे तो हमें ब्रह्म लोक मिलेगा। और इन्हीं ढेर सारे प्रश्नों पर बुद्ध कहते हैं कि त्रैविद ब्राह्मणों में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंख से देखा हो। इनके एक भी आचार्य प्रचार ने 7 पीढ़ी तक ब्रह्मा को आंख से नहीं देखा। यही नहीं, जो त्रैविद ब्राह्मणों के पूर्वज मंत्रों के प्रवक्ता ऋषि थे, उन्होंने भी कहीं पर यह नहीं कहा जहां ब्रह्मा है जिससे ब्रह्मा है, जहां से ब्रह्मा है हम उसे जानते हैं, हम उसे देखते हैं। इस पर तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसा होने पर तो त्रैविद्र ब्राह्मणों का यह कथन सर्वथा अप्रामाणिक हो जाता है कि ब्रह्मा की सत्ता के लिए अमुख मार्ग है, क्योंकि उनमें से पहले पीछे न इसे किसी ने जाना न देखा, जैसे अंधों की पंक्ति में पहला वाला भी नहीं देखता, बीच वाला भी नहीं देखता, पीछे वाला भी नहीं देखता। तो इस प्रकार से बुद्ध इस प्रकार के लोगों का खंडन करते हैं कि जो ये स्वर्ग हम बनाए हैं, जो हमने ये नर्क बनाया हुआ है, क्या किसी ने इसे देखा है? क्या कोई इसे जानता है? और कई लोगों से प्रश्न पूछा जाए जो इन पर विश्वास करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखा है। ये ठीक उसी प्रकार से हालत हो जाती है जैसे कि कोई कतार में अंधे खड़े हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा और उन सब पे भी विश्वास कर रहे हैं। तो वही हालत हमारी है, ना तो कभी इस प्रकार के लोगों को हमने देखा है,
ना ही हमने इसे जाना है और इसके बावजूद भी हम इन पर विश्वास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस स्तर में संदेह उत्पन्न होता है कि जो हमने ईश्वर की कल्पना बनाई हुई है और जो ढेर सारे हमने ये विचार बनाए हैं, ये सब संदेह से भरे हैं, इनकी प्रामाणिकता साबित नहीं होती है, ये हैं इसका हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है और इसीलिए इसे संदेह का स्तर कहा जाता है। इस संदेह के स्तर में ईश्वर को मानने का विचार तो एक ईश्वरवाद की तरफ बढ़ता है, मगर उसके साथ ही साथ यह ईश्वर पूरी तरह से संदेह से भरा हो जाता है। हम इस ईश्वर के बारे में जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, जो भी विचार करते हैं, सब संदेह से भरे हैं, क्योंकि इनकी प्रामाणिकता को साबित नहीं किया जा सकता है। और फिर से हमारी विवेकशीलता, हमारी प्रज्ञा यहाँ पे प्रश्न करती है कि जब ये सब चीजों की प्रामाणिकता नहीं साबित हो सकती है तो इन पे विश्वास क्यों करना। और फिर से हमारी प्रज्ञा, हमारी विवेकशीलता इस कुदरत को, इस दुनिया को अपने तरीके से समझने की कोशिश करती है। और इसी समझने के प्रयास में जब विवेकशीलता बलवती होती है या जब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है और जब इस दुनिया को हम समझते हैं, तो हमें बड़े ही गंभीर परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इन परिवर्तनों में हमें यह समझ में आता है कि यह दुनिया, यह कुदरत ऐसे ही नहीं चल रही है, ये किसी न किसी तरीके को, किसी न किसी चीज के हिसाब से चल रही है। और फिर हमें इस कुदरत में प्रकृति के नियम दिखाई देते हैं। ये जो प्रकृति के नियम हैं, ये पूरी तरह से अपनी स्पष्टता लिए होते हैं, अपनी प्रामाणिकता लिए होते हैं, और प्रकृति में ये होने वाली घटनाएं और ये नियम अपने आप को सदैव प्रमाणित करते हैं। यहां पर उठा हुआ प्रज्ञा का स्तर ईश्वर को एक अलग रूप में परिभाषित करने लगता है। जहां पर पहले हम ईश्वर को भौतिक रूप में, उसके शारीरिक अस्तित्व के रूप में, उसके वजूद के रूप में परिभाषित कर रहे थे, यहीं पर हमारी प्रज्ञा उस ईश्वर को एक अलग रूप में परिभाषित करने की कोशिश करती है। अब यहां पर जो प्रकृति का नियम है, इस प्रकृति के नियम के मानने में और ईश्वर के अस्तित्व में जहां पर हमें एक समरूपता दिखाई देती है, वहीं पर अगर हम ध्यान से इसे समझें तो इस ईश्वर और कुदरत या प्रकृति के नियम में विरोधाभास दिखाई देने लगता है। क्योंकि ईश्वर के बारे में यह कल्पना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वहीं पर इस सिद्धांत का प्रकृति के नियम खंडन कर देते हैं। प्रकृति की होने वाली घटनाएं इसका विरोध कर देती हैं कि नहीं, ये सृष्टि, ये कुदरत किसी की इच्छा से नहीं चल रही। अब जैसे उदाहरण के स्थान पर हम किसी पत्थर को बाहर फेंकें तो वो जमीन पर गिरेगा, मगर वहीं पर हम ये कल्पना करें कि नहीं, वो पत्थर हवा में उड़ने लगेगा, तो क्या ये संभव है? क्योंकि प्रकृति का नियम इसका खंडन करता है कि कोई भी भारी चीज या पत्थर फेंकने के बाद वह जमीन की तरफ ही गिरेगा, चाहे ईश्वर की इच्छा हो या ना हो, उसे कोई मतलब नहीं होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर ही जाएगा। तो यहां पर एक विरोधाभास दिख जाता है कि यह दुनिया नियमों के आधार पर चल रही है, ना कि ईश्वर की इच्छा से। जो लोग इस कुदरत के नियम, इस प्रकृति के नियम या हम विज्ञान के नियमों के बारे में बात करें, जो जानते हैं, अगर उनसे एक प्रश्न पूछा जाए, क्या सूर्य का उदय पश्चिम से हो सकता है, तो जो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है वो कहेगा हाँ, अगर ईश्वर चाहेंगे, उनकी मर्जी होगी, वह पश्चिम से उसका उदय हो जाएगा। लेकिन यहीं पे प्रकृति के नियमों को जानने वाला व्यक्ति उसका खंडन कर देगा कि यह संभव नहीं है कि सूर्य पश्चिम से उग जाए, क्योंकि जैसे ही वो जानता है कि सूर्य पश्चिम से, पहली बात संभव नहीं है उग पाएगा, और दूसरा अगर उगेगा तो यह पूरी दुनिया, सृष्टि ही तहस नहस हो जाएगी।
यह कुदरत में इस प्रकार के अर्थ एक विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, जहां पर नियम ये बताते हैं कि नहीं, सूर्य पूर्व से ही उगेगा, वहीं पे ईश्वर की अवधारणा हमें ये बताती है कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो वह पश्चिम से उग सकता। यहां पे इस व्यक्ति के अंदर टकराव होता है, एक उसके ईश्वर के अस्तित्व पर और दूसरा उसके द्वारा जाने गए प्रकृति के नियमों पर। अब यहीं पर यह टकराव काफी आगे बढ़ता है और वहां पर देखा जाता है कि वह ईश्वर को भले मानता हो लेकिन उसके साथ साथ में वह प्रकृति के नियमों को भी मानता है, जीवन में कर्म के नियमों को मानता है। वह यह मानता है कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे कर्म फल पर आधारित होती हैं। मगर वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है वह अभी भी ईश्वर की कृपा महिमा से जुड़ा रहता है और वह यह मानता है कि ईश्वर की दया और कृपा से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो यहां पर जो ये तीसरा स्तर है इसे हम ज्ञान का स्तर कह सकते हैं कि इस स्तर में हमें कुदरत प्रकृति इसके नियमों की जानकारी हो जाती है और चूंकि यह नियम और ईश्वर विरोधाभासी है इस वजह से वह केवल इन नियमों को प्राथमिक मानता है, लेकिन वहीं पर हो सकता है कि वह किसी न किसी स्तर पर ईश्वर की भी कल्पना का विचार करता है। यहां पे इस व्यक्ति के ईश्वर की कल्पना कुछ अलग रूपों में आती, जहां पर पहले स्तर पर व्यक्ति ईश्वर को भौतिक रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं इस तीसरे ज्ञान के स्तर पर आते आते यह ईश्वर अपना भौतिक रूप छोड़कर इनसे भी परे परिभाषित होने लगता है। यहां पर वो व्यक्ति अपने अंदर अपने मानसिक विचारों में उस ईश्वर के एहसास को लिए रहता है और विषयों को भौतिकी के स्तर से अलग हटकर परिभाषित करता है। जैसे मोक्ष, मोक्ष एक अवधारणा है जो भौतिक पदार्थों से परे है। यह जीवन के उस रूप को प्रस्तुत करती है जहां पे अपना भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है और भौतिक पदार्थों से परे एक नए अस्तित्व का एहसास होता है। इसी एहसास में आत्मा रूपी विचार और ईश्वर का प्रकटीकरण हो। कई ऐसे धर्म हैं जो कि ईश्वर की सत्ता या उसकी सर्वोच्चता का तो खंडन कर देते हैं, लेकिन वे अब भी इस जीवन के अलग रूप को माने हुए। जैसे जैन धर्म में अगर हम देखें तो ईश्वर की सत्ता का खंडन है और कर्म के जीवन की प्रधानता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं ये हमारे कर्म के अनुसार होती हैं, इन पर ईश्वर का कोई जोर नहीं चलता है या ईश्वर जैसी कोई सत्ता का हमारे जीवन के कर्म फलों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ना उसकी दया हो सकती है और ना ही वह इस सृष्टि का रचयिता है। तो यहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां भी हमारे चिंतन मनन और विवेकशीलता से उत्पन्न होती है और जो हमें इस कुदरत इस प्रकृति के नियमों का एहसास कराती है। मगर यहां पर भी हम अभी भी जीवन से परे कुछ विषयों पर विश्वास बनाए हुए होते हैं जिनका प्रमाणीकरण हमें अभी भी नहीं मिलता। यहां पर ज्ञान तो हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी ईश्वर हमसे जुड़ा हुआ रहता है या भौतिकी से परे विषय हमारे जीवन से जुड़े रहते हैं। यह परिस्थिति केवल एक कारण से उत्पन्न होती है कि जो ज्ञान उस व्यक्ति को हुआ है उस ज्ञान का बोध नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर सभी नियमों को जानने के बाद भी वह व्यक्ति कहता है कि अगर ये दुनिया है, ये सारी चीजें हैं, तो कुछ तो होगा और यह जो कुछ का प्रश्न है यह आत्मा या ईश्वर जैसी कल्पना से जाकर जुड़ता है। यहां पर एक बड़ी विशेष बात है कि जो व्यक्ति ये कहता है तो कुछ तो होगा, तो यह अपने आप में यह साबित करता है कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति संदेह के घेरे में है। उसे कुछ पता तो नहीं है, कुछ उसका संदेह है और उस संदेह के ईश्वर में वह अभी भी कुछ बातों पर
विश्वास बनाए हुए हैं। तो जैसे हमने जाना कि इस व्यक्ति को ज्ञान तो हो गया है, यह दुनिया, कुदरत, प्रकृति, ये सब नियमों पर चल रही है, मगर इसके बावजूद भी वह नियमों के साथ साथ जीवन में अन्य प्रकार के भी विचार बनाए रखता है। और जैसा कि हमने जाना कि यह केवल उस ज्ञान के बोध के अभाव में होता है। अब यहाँ पे बड़ी खास बात होती है कि इस व्यक्ति को ज्ञान तो हो गया है मगर बोध नहीं हुआ है, और इसी रहस्य को सुलझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के गहपत्ति वग के खंड में कहते हैं कि प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा व समझ लिया गया आर्य ज्ञान होता है प्रतीत्य समुत्पाद का सही चिंतन। इसके होने से यह नहीं होता है, इसके नहीं होने से यह नहीं होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, इसका निरोध होने से यह निरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ी खास बात होती है कि बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की बात करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत वास्तव में अगर इसको हम पूरी तरह से इसे समझने का प्रयास करें तो यह सिद्धांत कुदरत के नियमों से जुड़ा हुआ है। यह कुदरत प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पे चल रहा है, और इसे अगर हम आज के समय में समझें तो इसका विस्तारीकरण कर इसे विज्ञान के नियमों के संदर्भ में समझ सकते हैं कि व्यक्ति ये तो जानता है कि नियम है क्योंकि उसने पढ़ा है, सुना है, मगर इन नियमों का उसे बोध नहीं है। इन नियमों को जीवन में घटित होते हुए वह नहीं देखता है। इन नियमों की जो सर्वोच्चता है, जो अटलता है, उसका एहसास उसे नहीं है, और इसीलिए बुद्ध प्रकृति के नियमों का या प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन की बात कहते हैं या विपश्यना की बात करते हैं, क्योंकि यहां तक प्रज्ञा तो हमें लाती है कि वह हमें इस बात का एहसास कराती है कि यह कुदरत, यह प्रकृति अपने नियमों और सिद्धांतों पर चल रही है, ना कि किसी की इच्छा या मर्जी से, मगर साथ ही साथ इस प्रज्ञा रूपी ज्ञान का बोध होना आवश्यक है। इसीलिए बुद्ध शील और समाधि का पालन करने के लिए कहते हैं कि वह प्रज्ञा जो शील और समाधि से युक्त होती है वही हमें सही बोध कराती है, और इसी बोध के अभाव में हमारे पास कुदरत के नियमों का ज्ञान रहते हुए भी हम उस चीज का अनुभव नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए हमें विपश्यना का सहारा लेना पड़ता है कि विपश्यना पूरी कुदरत प्रकृति में नियमों को घटित होते हुए देखती है, और फिर धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि केवल यह कुदरत नियमों से चल रहा है, प्रकृति केवल नियमों से चल रही है, और यह प्रतीत समुत्पाद जैसे सिद्धांत का पालन कर रही है, या हम आज के वर्तमान में कहें कि विज्ञान के नियमों का पालन कर रही है। और इन्हीं नियमों को समझाते हुए फिर बुद्ध संयुक्त निकाय के आहार वर्गों के खंड में कहते हैं कि प्रतीत समुत्पाद का नियम शाश्वत है, कोई बुद्ध हो या ना हो यह नियम तो अपना काम करता ही रहता है। कभी कोई बुद्ध उत्पन्न होता है तो इस नियम का साक्षात्कार कर इसे दूसरों को समझाता है। यानी अगर हम आज के समय में समझें तो इसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी घटनाक्रम नियमों के आधार पर चल रहे हैं। ये एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, ये अकारण ही नहीं है, ये केवल नियमों के आधार पर चल रहे हैं, और हमें इस कुदरत, इस प्रकृति में इन नियमों को होते हुए अनुभव करना है, इसका बोध करना है, और जैसे ही इसका बोध होता है वैसे ही ईश्वर रूपी प्रश्न धराशायी हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर की कल्पना करेंगे वैसे ही उसकी सर्व गुण संपन्नता शक्तिशाली रूप प्रस्तुत होता है, और प्रकृति के नियम उसका खंडन कर देते हैं।
कि अगर ईश्वर है तो उसकी इच्छा इस कुदरत पे लागू होगी और ये प्रकृति के नियम किसी की इच्छा से नहीं चलते हैं। अगर ईश्वर चाहेगा भी तो इन नियमों को बदल नहीं सकता है। इस बात का बोध केवल विपश्यना और सही चिंतन के सहारे होता है और जैसे ही हमारे अंदर यह कुदरत के नियमों को जानने का बोध होता है वैसे ही हम इस कुदरत को सही रूप में जानते हैं, हमारी विचारधाराएं शुद्ध होने लगती हैं और हम सही चीजों को मानने लगते हैं। और ऐसी कई चीजें हम अपने समाज में देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं या विज्ञान के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं अक्सर देखा गया है वे ईश्वर जैसे किसी सत्ता को नहीं मानते हैं। और इसी उदाहरण में सबसे बड़ा उदाहरण हमें मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का मिलता है। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है कि देयर इज नो गॉड, नो वन डायरेक्ट्स आवर फेट, कोई भगवान नहीं है, कोई भी हमारे भाग्य को निर्देशित नहीं करता है। और इसके साथ ही साथ स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि यह दुनिया प्रकृति के नियमों से संचालित है, पूरा ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स प्रकृति के नियमों से चल रहा है। कई बार स्टीफन हॉकिंग्स के इस विचार के खिलाफ कुछ धर्म के पुरोहित इसका खंडन करते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत बोल रहा है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब यहां पर एक सीधा साधा प्रश्न है कि स्टीफन हॉकिंग्स ब्रह्मांड भौतिकी विज्ञान के एक महान वैज्ञानिक थे, वे गंभीर बीमारी मोटर न्यूरॉन की बीमारी से पीड़ित थे, इसके बावजूद भी उनकी दृढ़ शक्ति ने इस दुनिया के समझने के प्रयास में जो मापदंड स्थापित किए हैं उन्हें आज स्वीकारा गया है। इतने महान वैज्ञानिक जो अपने जीवन में कितने रिसर्च कितनी जानकारियों के आधार पर अगर कहता है ईश्वर नहीं है और उसे एक धर्म का पुरोहित एक 1,500 साल पुरानी 2,500 साल पुरानी 2,000 साल पुरानी कोई पुस्तक या ग्रंथ पढ़कर कहता है कि नहीं ईश्वर है और उसने सब जान लिया है। देखिए ये एक विरोधाभास है कि कोई एक पुस्तक की कुछ लाइनें पढ़कर यह दावा करता है कि ईश्वर है और वहीं पर एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड को समझने में खपा दिया और अगर वो कहता है ईश्वर नहीं है तो कौन सही है? वह व्यक्ति जिसने कुछ किताब के पन्ने पलट लिए हैं और वह इस ब्रह्मांड को होने का दावा करता है, अगर उससे एक प्रश्न पूछ लिया जाए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता। जिसे कुछ नहीं पता है वह ईश्वर के होने का पूरा दावा करता है और जिसे सब कुछ पता है वह अगर अपने अनुभव से कोई बात बोल रहा है तो वह झूठा है। अब यहां पर आप अपने विचारों से निर्णय कर सकते हैं कि आखिर स्टीफन हॉकिंग्स ने ऐसा क्यों कहा। और यही बात को प्रमाणित बुद्ध भी करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग्स को कुदरत के नियमों का एहसास हो गया था, उन्होंने इस ब्रह्मांड में हर एक जगह कुदरत के नियमों को घटित होते हुए देखा था, पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड कुदरत के नियमों से चल रहा है और कोई भी ईश्वर जैसी सत्ता इसमें फेर बदल नहीं कर सकती है। और यही बात बुद्ध कहते हैं, उस प्रतीत समुत्पाद जो कुदरत के नियमों से जुड़ा हुआ था उसे हम आज विज्ञान के नियमों से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सत्ता इन नियमों को पलट नहीं सकती है। जैसे किसी विज्ञान के पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो जो भौतिक विज्ञान के नियम हैं, जो इस कुदरत में रसायन विज्ञान के नियम हैं, जो जीव विज्ञान के नियम हैं, जो गणित के नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, क्या इनको बदला जा सकता है? तो वो सदैव कहेगा ये संभव ही नहीं है। एक रसायन विज्ञान का विद्यार्थी उससे अगर रसायन विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को अगर पलटने के लिए कहा जाए कि ईश्वर की इच्छा होगी तो कुछ भी हो सकता है तो वह कभी भी इसको मान नहीं सकता है। जैसे गणित के नियमों में यदि हम 3 को 2 से जोड़े तो मिलने वाली संख्या 5 होगी, यह गणित का नियम कहता है कि वो 5 ही होगा, लेकिन यहां पे ईश्वर की कल्पना क्या कहती है, ईश्वर की इच्छा होगी तो वो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा हो जाएगा। मगर फिर से वही प्रश्न है कि क्या ईश्वर की इच्छा अगर है कि 3 और 2 को जोड़ने के बाद में आने वाली संख्या 5 की जगह 6 होगी तो क्या इसे आप स्वीकार करेंगे?
चैन सी बातें नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि तीन और दो जोड़ने के बाद में पांच ही आएगा, क्योंकि यह गणित का नियम। तो ठीक जैसे यह गणित का नियम काम करता है, वैसे ही प्रकृति कुदरत में इसके नियम काम करते हैं। और बुद्ध ने यही बात कही थी, इन नियमों का यदि बोध हो जाएगा तो ईश्वर का प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएगा, आपको सत्य का एहसास हो जाएगा। और यही प्रतीत्य समुत्पाद का नियम हमारे जीवन के बाहर के साथ साथ हमारे अंदर के भावों पर भी कार्य करता है। और इस नियम को हम घटित होते हुए देखते हैं, जैसे ही इन घटनाक्रमों का ज्ञान होता है वैसे ही हम जीवन की सच्चाइयों का एहसास करते हैं, सत्य को पाते हैं और यथार्थ देखते हैं। और बुद्ध ने पूरे जीवन भर इन्हीं जीवन से जुड़े नियमों का प्रचार किया। ये नियम के कारण ही हमारे जीवन में जुड़ी घटनाएं होती हैं और इन्हीं की सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, और उसका कारण यही था कि उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद या कुदरत के नियमों का बोध कर लिया था। यही कारण था कि स्टीफन हॉकिंस भी ईश्वर की सत्ता का खंडन करते हैं, और यही प्रचार पूरे जीवन बुद्ध ने किया। और इसी के संदर्भ में दिघ निकाय के महापरिनिब्बान सूत्र में तथागत बुद्ध अपने अंतिम समय के वचनों को कहते हैं, और यह उनका अंतिम संबोधन था कि सभी संस्कार अनित्य हैं, अप्रमाद के साथ इस सच्चाई का संपादन करो, अर्थात इसे अनुभूति पर उतारो। यही तथागत बुद्ध का अंतिम वचन था। तो यहां पर स्पष्टतः बुद्ध जीवन से जुड़े नियमों का बोध करने के लिए कहते हैं, और यह बोध अपने आप में ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करता है, और इस स्तर को हम बोध का स्तर कहते हैं। तो यहां पे अभी तक हमने ये देखा कि पहले स्तर में जहां पर हमारी विवेकशीलता प्रज्ञा बेहद निचले स्तर पर होती है, इस स्तर को पूरी तरह से भ्रामक स्तर माना जाता है, जहां पर ईश्वर तो है लेकिन पूरी तरह से वह भ्रामक है। दूसरे स्तर में जिसे हम संदेह का स्तर कहते हैं, यहां पर ईश्वर की एक रूपता तो दिखाई देती है मगर यह कई ढेर सारे संदेहों से भरी हुई है। तीसरा स्तर जिसे हम ज्ञान का स्तर कहते हैं कि यहाँ पे हमें इस बात का ज्ञान तो हो जाता है कि यह कुदरत प्रकृति नियमों और कर्म फल से चल रही है, ना ही किसी ईश्वर की इच्छा या मर्जी से, मगर फिर भी इसमें बोध नहीं होता है, इसके लिए इसमें संदेह उत्पन्न रहता है। और आखिरी स्तर जहां पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हो जाता है, और यह संपूर्ण ज्ञान का बोध है कि जीवन प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से संचालित है, पूरी दुनिया पूरी प्रकृति प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से संचालित है, कुदरत नियमों से संचालित है, यहाँ की सारी होने वाली घटनाएं किसी की इच्छा या मर्जी से नहीं चल रही है। तो यहाँ पर एक प्रकार से हमने ईश्वर का हमारे जीवन में अलग अलग रूप में समझने का स्तर देखा। यहाँ पर हो सकता है कि आपके राय इन विचारों से अलग हो। यहाँ पर एक चीज मैं और आपसे कहूंगा कि अगर आप लोगों को इन विचारों के बारे में कुछ कहना हो या कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। पहला प्रश्न यही कि इस वीडियो के सुनने के पहले आपने अपने आप को किस स्तर पर परिभाषित किया, या इन चारों स्तरों में से किस स्तर में आप अपने आप को रखेंगे। और फिर दूसरा, क्या इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर ये भाव जागृत हुआ है कि आप प्रज्ञाशील और समाधि के जरिए, चिंतन मनन के जरिए, प्रज्ञा के सहारे कुदरत के नियमों को जानने का प्रयास बोध के स्तर पर करेंगे। तो इससे जुड़े हुए जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा केवल एक ही अनुरोध होगा कि
कि भले आप इन विचारों का समर्थन करें या ना करें, या जो भी आपके विचार हैं उनको बड़ी सादगी के साथ में लिखें और उन विचारों के लिए अपनी राय प्रस्तुत करें कि इन सभी विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या प्रतीत समुत्पाद या कुदरत के नियम ही श्रेष्ठ हैं और ईश्वर नहीं है, या ईश्वर है और ये नियम श्रेष्ठ नहीं है, या जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में रखें। अनुरोध केवल इतना ही रहेगा कि इसे बेहद शालीनता के साथ में रखें ताकि हम और लोग इन चीजों को स्वीकार कर सके। तो इसी प्रकार की विचार चिंतन की शीलता और उनसे अनुभव का ज्ञान हमें ज्ञान प्राप्ति की दूसरी अवस्था सकदागामी में होता है। ज्ञान प्राप्ति की पहली अवस्था से आगे दूसरी अवस्था सकदागामी की होती है, जिसमें इसी प्रकार के विचारों का बोध और उन बोध हुए विचारों के जरिए जीवन में उनका अनुकरण ज्ञान प्राप्ति की दूसरी अवस्था में होता है। तो इसे सकदागामी के ज्ञान से जुड़े हुई बातों का और गहराई से अनुभव करने के लिए हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।